हेलो गेमर्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो गेमर्स, इस वीडियो में हम लोग स्क्रीन ऑटो मूविंग या फिर एम ऑटो मूविंग प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हो, मेरा जो एम है ऑटोमेटिक मूव हो रहा है और अभी ये नीचे मूव हो रहा है, कभी कभी ऊपर मूव होता है या फिर लेफ्ट राइट किधर भी मूव होना स्टार्ट हो जाता है। और जब भी कभी मैच के बीच में स्टार्ट होता है ये प्रॉब्लम, तो बहुत दिक्कत होता है। तो ये जो प्रॉब्लम है बहुत प्लेयर्स के साथ होता है। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस वीडियो को देखते रहिए। इस वीडियो में मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। तो गेमर्स, सबसे पहले मैं आपको दो तरीका बताऊँगा जिससे आप इस प्रॉब्लम को इंस्टेंट सॉल्व कर सकते हो। मतलब जब भी आपके साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाए तब आप उसी टाइम इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो। तो जो सबसे पहला ट्रिक है, आपको क्या करना है, आपको अपने फ़ोन को कहीं टेबल पे या फिर बेड पे ऐसे 2-3 सेकंड के लिए छोड़ देना है, मतलब रख देना है। और रखने के बाद, जैसे मैंने अभी अपना फ़ोन बेड पे रख दिया है, और देखना 2-3 सेकंड में ये प्रॉब्लम ऑटोमेटिक स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो ये जो प्रॉब्लम है स्टॉप हो गया है। तो अभी हमारा ये प्रॉब्लम फिक्स हो गया है और ये टेम्पररी है, इससे परमानेंट फिक्स नहीं होता है। फिर आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो ही जाएगा। और सेकेंड ट्रिक है कि आपको, मतलब जब आपका ये प्रॉब्लम फिर से गेम में स्टार्ट हो तो आप अपने स्क्रीन ऑफ करके ऑन कर सकते हो, इससे भी ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाता है। तो अभी आप देखना, मैं अपना फ़ोन का स्क्रीन को ऑफ करके फिर से ऑन करूँगा और देखना ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो सिंपली आपको अपने फ़ोन को, मतलब पावर बटन प्रेस करके स्क्रीन ऑफ करना है और फिर से पावर बटन प्रेस करके स्क्रीन को ऑन कर लेना है, तब आपका ये प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगा। तो ये दोनों ट्रिक को आप यूज कर सकते हो जब कभी आपके गेम के बीच में ये प्रॉब्लम हो तो। तो गेमर्स, अब बात करते हैं कि इस प्रॉब्लम को परमानेंट फिक्स करने के लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपको इसको रिपोर्ट करना है। यहाँ पे सेटिंग के बगल में जो रिपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, आपको रिपोर्ट पे क्लिक करना है और सबसे नीचे जो अदर दिख रहा है, अदर पे टिक मार करके आपको यहाँ पे मैसेज लिखना है और मैसेज BGMI वालों के पास सेंड करना है। तो यहाँ पर आप देख लेना मैसेज में क्या लिखना है, कैमरा एंड ADS एम ऑटोमेटिकली मूविंग विथ जायरोस्कोप। उसके बाद आप अपना डिवाइस का नेम डाल देना, डिवाइस Vivo Z1 Pro, आप अपने डिवाइस का नेम डालना और कोमा देके फिर से लिख देना प्लीज़ फिक्स दिस बग। तो आप और भी बेटर मैसेज टाइप कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो मैंने क्या लिखा है। अगर आप मेरे से अच्छे मैसेज लिख सकते हो यहाँ पे, तो आप लिख लेना और यहाँ पे आप डन करके रिपोर्ट कर देना। तो ऐसे अगर बहुत सारे मैसेज जाएंगे BGMI वालों के पास तो वो लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है, आप अगर रिपोर्ट करते हो तो ये प्रॉब्लम उनके नज़र में आएगा और उन लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स कर देंगे। तो आपको भी ऐसे कर देना है, मतलब उनके पास रिपोर्ट कर देना है। और ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट जाएंगे तो वो लोग डेफिनेटली इस प्रॉब्लम पे वर्क करेंगे और फिक्स कर देंगे। तो गेमर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलो बाय, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।